कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जहां चिंता बढ़ रही है तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री जीएस बाली ने वर्तमान सरकार को जमकर घेरा है। जीएस बाली ने कहा कि आज कोरोना के मामले बढ़े हैं तो उसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है, क्योंकि इस सरकार ने अपना ध्यान सिर्फ धाम और नाटियों में गुजारा हुआ है। उन्होंने कहा कि हालात बेहतर हो सकते थे, लेकिन इन्होंने राजनीति के अलावा कुछ बेहतर नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार राजनीति ना करे, क्योंकि इस वक्त हालात खराब चल रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री वाली बोले, हमारी तरफ से पूरा सहयोग है, लेकिन इस बात पर राजनीति कतई सहन नहीं की जाएगी। आज सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। सरकार ने अपनी तैयारी नहीं की है और आज अपने निकम्मेपन से दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी फेंकी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के डॉक्टर देश को दिशा दिखा रहे हैं। आगामी समय प्रदेश की जनता राजनीतिक पार्टियों से पूछेगी, आपने क्या किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रदेश की अफसरशाही काम नहीं कर रही, लेकिन कुछ अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं। बाली ने कहा कि राजनीति को छोड़े और आज कोरोना से निपटने का काम करें। व्हाट सो फार द क्लियरेंस, वी हैव 40,000 आल्सो अप्लाइड फॉर लास्ट सो मेनी मंथ्स। देयर आर ओनली टू ऑफर, आई डोंट नो व्हाट सो एवर दे व्हाट दे कैन डू, दैट इज अ गवर्नमेंट फेलियर, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। जो सूर की तरफ किसी ने करवाना है, दूध को किसी ने करवाना है, ये सब को करवाना है, ये सब का भाई इधर रेट था और रेट था। चलो जो गवर्नमेंट को अच्छा लगे, गवर्नमेंट ऑफ द डे है, लोगों ने वोटें डाली हैं इनको और अगली वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज दैट यू केयरफुली, जो मैंने कहा, डिप्टी कमिश्नर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करें, बीडीओ को यूज करें, एसडीएम को यूज करें, बीडीओ के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करें, पंचायतों को यूज करें, और कोई भी आदमी आए उसको क्वारंटाइन घर पे करें। अगर उसको प्रॉब्लम हो तो जो पहला हमने कहा पीएससी ले जाएं, पीएससी में उसको असेस करें, पीएससी के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको ऑक्सीजन वाला बेड जहाँ वहाँ पर जाए, अगर उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आए देन दे शुड टेक इट टू आईसीयू विद वेंटिलेटर विच कैपेसिटी इज गवर्नमेंट इज नॉट टेलिंग अस व्हाट इज द कैपेसिटी इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड इन हिमाचल। दे शुड कम फॉरवर्ड एंड टेल देम, और ये भी बताएं कि अगर कोविड पेशेंट हो गए तो बाकी पेशेंटों को कैसे डील करना है। ये सारी चीज़ें हैं, दीज आर द प्रॉब्लम्स। जाए तो उसका ऑडिट नहीं किया आपने, आपने अपनी तैयारी नहीं की, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया, जो आपने ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे उनको चालू नहीं किया, और आज अपने निकम्मेपन से और अपनी जिम्मेवारी से आप भाग करके दूसरों के ऊपर अपनी जिम्मेवारी फेंक रहे हैं, वो ठीक बात नहीं है। मुझे मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट देख के बहुत दुख हो रहा है कि जी हम पार्किंग में शिमला में 100 बेड लगा देंगे। है भाई, आपने कोई वहां पे इंसान को लेके जाना है, आपने क्या समझा हुआ इंसानों की जिंदगी को? आप इंसान को लेके जा रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनके लिए प्रॉपर नर्सिंग केयर चाहिए, उनके लिए प्रॉपर ऑक्सीजन का अरेंजमेंट चाहिए, वहां डॉक्टर चाहिए, कितनी ऑक्सीजन देनी है, कितनी नहीं देनी है, किस पेशेंट को क्या जरूरत है, ये मेडिकल ऑफिसर जो है वो तय करेंगे, ये कोई बाबू नहीं तय कर देंगे। और इज एनीबॉडी रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल? आज लग रहा है प्रदेश में कोई भी अकाउंटेबल नहीं है। 8 लाख हमारी टोटल आबादी थी, 70 लाख, उसको हम बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर सकते थे। आज आपकी प्रायोरिटी जो है वो वैक्सीन और दवाई और ऑक्सीमीटर होना चाहिए। आई विल लाइक द गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन एंड पुट इट ऑन रिकॉर्ड एंड मेक इट पब्लिक कि कितने वैक्सीन के ऑर्डर इन्होंने किए हैं, कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, कितने लोग वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं, कितनों को वैक्सीन लगनी है, उसमें क्या क्या कार्य प्रणाली कैसे कैसे रखा है आपने, उसको सिस्टम को कैसे डेवलप किया है, ये सारी चीजें जो हैं वो पब्लिक करें, ताकि पब्लिक में एकदम हो हुल्ला ना पड़े, पैनिक क्रिएट ना हो, और जो है आने वाले टाइम पे हर चीज को देख करके किया जाए। दूसरी बात, डिस्कसिंग विदाउट डिस्कसिंग, आप अपना तो कह रहे हो कि भाई आज ऑर्डर कर रहे हो, कल बोल रहे हो कि हमें अपना हॉस्पिटल दे दो, अपनी प्रॉपर्टी दे दो, मगर कभी आप उनसे डिस्कस करो कंस्ट्रेंट क्या है।
अगर वहाँ स्टाफ ही नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होंगे, नर्सें नहीं होंगी, तो वो आप उसको बिल्डिंग को लेके क्या करोगे? मैनेजमेंट विल टेल देम बट व्हाटएवर इज बट इट इज वी हैव ऑलरेडी सेड वी आर प्रिपेयर टू हेल्प द सोसाइटी एट द टाइम ऑफ क्राइसिस. देयर नो इश्यू दैट वी विल नॉट गेट अवर सेल्फ इन्वॉल्व. बट क्वेश्चन इज बिग क्वेश्चन कम्स टांडा यू हैव ऑलरेडी रेंड टांडा नोबडी वांट्स टू गो एंड द पोजिशन इज सो बैड जो जाता है कह देते हैं कि आता नहीं है. अब वो वहां पे है नहीं. सुपर स्पेशलिस्टी आपने बंद की हुई है. जो एक दो हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्टी वाले हैं आप बंद करा दोगे? आप जब उनको कोविड कर दोगे तो वो हार्ट वाले कहाँ जाएंगे, लीवर वाले कहाँ जाएंगे, जीरोलॉजी वाले कहाँ जाएंगे, किडनी वाले कहाँ जाएंगे, जिन्होंने बेचारों ने अपना डायलिसिस कराना वो कहाँ जाएंगे? तो गवर्नमेंट ने सोचे समझे बिना जो भी कर दिया वो कर दिया इज नॉट द राइट अप्रोच. This is unfortunate that the situation in a biggest district is so bad that we are referring them to the other district. Well, the situation there will be bad tomorrow or day after. And the biggest thing which we need to do is how many tests we are doing. We are not doing much test. और उसमें 12% से ऊपर positivity rate आ रहा है. जितने भी टेस्ट कर रहे हैं उसको कृपा करके टेस्टों को डबल ट्रिपल करें आप. ओवरऑल बता रहा हूँ 35% कांगड़ा में तो और भी अलार्मिंग है ना. आपने दाम और नाटियों में अपना टाइम गुजार दिया. लिखो ये सरकार ने दाम और नाटियों में अपना टाइम गुजारा. ये नहीं देखा कि भाई ये भी हो सकता है. जब यूरोप में सेकंड वेव आ गई थी तो हमारी सरकारें सोई थी क्या? You have to preempt all these things.